नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के लिए हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। यह वह देवभूमि है जहाँ देवता निवास करते हैं, इस तरह की मान्यता है। यह गंगा जी बह रही हैं, ये लक्ष्मण झूला नज़र आ रहा है, पहाड़ और नदी की धारा आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यह एक कहानी है जो काफ़ी रोचक है। इस कहानी का एक पात्र मैं भी होता हूँ। मेरी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, मुझे ऋषिकेश जाना होता है। ऋषिकेश इससे पहले भी मैं कई बार जा चुका हूँ। इसके लिए दो तरह से जाया जा सकता है, रिजर्व गाड़ी कर लीजिए या बस से जाइए या फिर ट्रेन से जाइए। इस बार मैंने तय किया कि हमें ट्रेन से जाना है। ट्रेन की टिकट हमने ली, रिजर्वेशन कराई और इस ट्रेन का नाम मसूरी एक्सप्रेस है जो हरिद्वार तक जाती है और वो 10:25 पर पुरानी दिल्ली से खुलती है। दोस्तों, वहाँ मैं स्टेशन पर पहुँचता हूँ और ज्यों ही S3 कोच में 1 और 4 बर्थ हमारा होता है उसमें अंदर घुसता हूँ तो हमें घुसने नहीं दिया जाता है। उसका मुख्य कारण है कि ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। ये सावन का महीना है, पिछले 22 जुलाई की ये घटना है और इसलिए नहीं घुसने दिया जाता है कि इतनी भीड़ है कांवड़ियों की कि सब एक पर एक लदे हुए हैं ऐसा लग रहा है और कोई जगह नहीं है, इस तरह से मुझे बताया जा रहा है। घुसने नहीं देने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई, हम 2 आदमी हैं और हमारा रिजर्वेशन है, हमारा बर्थ है और 1 और 4 बर्थ है, मुझे घुसने तो दो अंदर। वो मुझे जाने देते हैं। मैं किसी तरह अंदर में दोनों आदमी दाखिल होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो दृश्य है आप देख के दंग रह जाएंगे। हमने देखा कि हमारे बर्थ पर सब नौजवान बैठे हुए हैं जो हरियाणा से वास्ता रखते हैं। उनको रिक्वेस्ट करने पर कि हमारा 1 और 4 नंबर बर्थ है, हमें दे दो, हमसे वो बात तक नहीं करना चाहते हैं। अपनी टिकट दिखाते हैं और कहते हैं कि सारा बर्थ मेरा है, आपका कोई बर्थ हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा कि कम से कम हमें बैठने तो दो। फिर उसने टिकट दिखाई, मैंने देखा कि उसमें उसकी टिकट तो थी उसके पास, जो कि उसमें 1 और 4 बर्थ उसके पास नहीं थी। तो मैंने कहा कि 1 और 4 बर्थ हमारी है, तुम हमें दे दो, बाकी के बर्थ रख लो। लेकिन उसके लिए भी उसकी मंजूरी नहीं मिली। हमारे मित्र जो साथ थे उन्होंने इशारा दिया कि ये लोग जाहिल कबार बेवकूफ़ लोग हैं, इनसे क्या डिस्कशन कर रहे हो, छोड़ो इनको। मैंने भी तुरंत समझा इस बात को कि बेवकूफ़ लोग हैं, कानून तोड़ने वाले लोग हैं, कानून का ज्ञान नहीं है, देश से कोई वास्ता नहीं, कायदा कानून से कोई रिश्ता नहीं। किसी तरह हम लोग खड़े रहे, लड़खड़ाते हुए गाड़ी चल पड़ी। फिर हमने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारे साथ जो बुज़ुर्ग साथी हैं उनको तो तुम बैठने दो। इतना कहने के बाद किसी की नज़र पड़ी और उन्होंने खुद वो सीट छोड़ी और हमें उनकी उनको जगह दे दी। उनको जगह मिलने के बाद कुछ देर के बाद हमें भी जगह उन लोगों ने दी। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि कांवड़िया को इतनी छूट दी जाती है कि आप गाड़ी से ट्रैवल करो, भोले बाबा का समय है, जल चढ़ाना है, लेकिन ये सीधी तरह से प्यार मोहब्बत से ट्रैवल नहीं करते हैं बल्कि ट्रेन में और भी बदतमीज़ी करके जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। जैसे कि वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो गांजा पीने लग गए, इतनी धुआं उसकी ख़राब होती है, गंध से मेरा सांस रुकने लगा और मैंने महसूस किया कि अगर इस ट्रेन से नहीं उतरूंगा तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। इस तरह से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद मैंने तय किया कि अब क्या देखना है। हम दोनों निर्णय लिया और दोनों हम लोग गाज़ियाबाद स्टेशन पर उतर जाते हैं। उसके बाद वहाँ हमें जो राहत मिलती है, हम उसकी का वर्णन क्या करें। हमें ऐसा लगता है कि मुझे पुनर्जीवन मिला। उतरने के बाद हम सोचते हैं कि अब क्या करें, दिल्ली लौट जाते हैं, पर हमारे मित्र ने कहा कि नहीं, हमें ऋषिकेश तक जाना है और हमें चलना चाहिए। कई बार हमने प्रोग्राम कैंसिल किया है। तो उनकी बात हमारी समझ में आई और गाज़ियाबाद प्लेटफॉर्म पर ही हमने तय किया कि हम
यहाँ पता करेंगे कि बस स्टैंड यहाँ से कितनी दूर है। इसके लिए हम टी स्टॉल वाले के पास जाते हैं, वहाँ एक पानी का बोतल उससे खरीदते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी हुई, हमें बर्थ नहीं दिया गया, हम उब गए, हम घुटन सी महसूस होने लगी, जान बचाकर हम ट्रेन से नीचे उतर गए और यहीं आपके स्टेशन पर हैं, मुझे आप रास्ता बताइए। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे बहुत सारी गाड़ी हैं जो खाली भी आती हैं, उसमें आप चढ़ जाना। फिर हमने बोतल ली और सीधे अपनी जगह पे आ गए जहाँ पे हम पहले थे। वहाँ पे एक हवलदार देखा मैंने कि जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ उसके ठीक बगल में आकर बैठता है, और वो हवलदार से मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ बदतमीज़ी हुई, कंवरिया वालों ने बहुत बदतमीज़ी की, हरियाणा के बच्चे थे, नौजवान थे, उनमें कोई अकल शकल नाम की चीज़ नहीं थी और उन्होंने हमें बैठने तक की जगह नहीं दी, और इतनी भीड़ है कि हमें हमारी हिम्मत जो है पस्त हो रही है, मुझे ऐसी सलाह दो जिससे कि हम या तो बस हमें मिल जाए या फिर हम अगर ट्रेन पकड़ते हैं तो कुछ ट्रेन में जगह हो बैठने की। तो उसने कहा कि आप मत घबराओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके पीछे जो ट्रेन आएगी वो सहारनपुर तक जाएगी और सहारनपुर से 50 किलोमीटर हरिद्वार है, वहाँ से इत्मीनान से आप बस वगैरह पकड़ के जा सकते हो, तब तक सुबह भी हो जाएगी और आप जो है आराम से जाइए। उसके कुछ ही देर के बाद स्टॉल वाला हमारी तरफ से गुजर रहा था, मैंने उसको बुलाया और उसने मुझसे फिर कहा कि आप चिंता मत करो, जो खाली गाड़ी आएगी उसमें आप बैठ के जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। ठीक उसी तरह हमने किया, गाड़ी आई, उसने मुझे डायरेक्शन बता दिया कि उस जगह जाएंगे तो आपको जगह मिल जाएगी। गाड़ी आने के बाद हम ठीक उसी जगह पर थे, गाड़ी रुकी और हम अंदर घुसे। अंदर घुसने पे जो देखा हमने तो मैं दंग रह गया, सही में पूरी की पूरी गाड़ी खाली, चेयर कार वो थी और खाली थी। मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कि जवाब नहीं। हम बैठ गए, बैठने के बाद हमें राहत महसूस हुई और नया जीवन प्रारंभ होता है। उसके बाद जो घटना होती है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ और अगले एपिसोड में अगली कहानी बताऊंगा कि आगे क्या हुआ, इसके पीछे किसका राज था, कैसे हमें जगह मिल गई, इसके लिए किसने उसे प्रेरित किया, कौन था वो जो स्टॉल वाले को और हवलदार को प्रेरित करता है और हमारे पास भेजता है और हमें राह दिखाता है। आगे जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले एपिसोड में अगली जो कहानी हुई, आप बीती जो बात हुई उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब हम सहारनपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद की कहानी आपको बताऊंगा कि सहारनपुर के बाद हम कैसे पहुंचते हैं और क्या होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।